हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ कंजंक्शंस एंड दिस इज द 16th पार्ट इन दिस सीरीज। चूज सुटेबल कंजंक्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे उनमें कुछ ब्लैंक्स होंगे, तो आपने चूज करना है 3 ऑप्शंस में से सुटेबल कंजंक्शन को। तो देखते हैं, नंबर 1, आई एम डैश टायर्ड एज यू आर। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, सो एज दैन। यहाँ पर आपने चूज करना है एज को, और ये सेंटेंस है आई एम एज टायर्ड एज यू आर। जितने तुम थके हुए हो उतना ही मैं थका हुआ हूँ। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस में आपने एज लिखना होता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, डैश द हॉट वेदर लास्ट्स वी शैल स्टे इनडोर्स। यहाँ पर आपके सामने फिर से 3 ऑप्शंस हैं, टिल, एज लॉन्ग एज, बिकॉज। यहाँ पर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज करना है और आंसर आएगा एज लॉन्ग एज। ओके, एज लॉन्ग एज द हॉट वेदर लास्ट्स वी शैल स्टे इनडोर्स। जब तक हॉट वेदर रहता है हम अंदर रहेंगे। ओके, एज लॉन्ग एज का मीनिंग होता है जितनी देर तक या जब तक। ओके, यहाँ पर आपने टिल को यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर आपने लिखना है एज लॉन्ग एज, जितनी देर तक हॉट वेदर रहता है या रहेगा हम अंदर ही रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि एज लॉन्ग एज को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डैश यू विश आई विल अटेंड द फंक्शन। यहाँ पर आपके सामने फिर से 3 ऑप्शंस आने वाले हैं, देखते हैं अभी वो 3 ऑप्शंस कौन से हैं। आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, अनलेस, इफ, टिल। तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आपने लिखना है इफ़ यू विश आई विल अटेंड द फंक्शन। अगर तुम चाहते हो मैं फंक्शन अटेंड करूँगा या करूँगी। ओके, बाकी 2 ऑप्शंस जो हैं उनको अगर आप यूज़ करोगे तो उस सेंटेंस की सेंस नहीं बनेगी। ओके, इफ़ को हम कंडीशनल में यूज़ करते हैं, इफ़ का मीनिंग होता है अगर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग है कि अगर आप चाहते हो मैं फंक्शन अटेंड करूँगा। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ 10 o'clock डैश लेट अस गो टू स्लीप। यहाँ पर आपके सामने फिर से 3 ऑप्शंस आने वाली हैं, जिनमें से कि आपने किसी एक को चूज़ करना है। तो देखते हैं वो ऑप्शंस हैं, सो, फॉर, एंड। यहाँ पर आपने चूज़ करना है सो को। 10 बज गए हैं इसीलिए चलो सो जाते हैं। ओके, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, सो का मीनिंग होता है इसीलिए। ओके, 10 बज गए हैं इसलिए चलो सो जाते हैं। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं ये सारे के सारे कंजंक्शन हमने किस तरह से यूज़ किए हैं इन ब्लैंक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट, एंड प्लीज़ गिव मी योर कॉमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।